हेलो, फिर स्वागत है आपको हमारी इस वीडियो में। और बारात के लिए हम निकल चुके हैं और मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो गाड़ी वो वहाँ पर दुल्हन के घर से जो जादुक सामान जो लाते हैं वो इस गाड़ी में लाया जाएगा। तो उसी गाड़ी में मैं जा रहा हूँ, उसमें जगह नहीं मिला तो इस गाड़ी में जा रहा हूँ। तो ठीक है, हमारा यहाँ का शादी कैसा होता है हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। अभी देवगढ़ के टाउन के अंदर आ चुके हैं, उसी बीच से रास्ता गया है। देवगढ़ से थोड़ा आगे हम जाएंगे, वो कोला माटी बोलते हैं, उधर हम बारात जा रहे हैं। तो उधर फिर आपको आपके साथ मुलाकात होगी। दोस्तों अभी प्रोसेशन चालू हुआ है, आप देख सकते हैं अभी एक घंटा तक प्रोसेशन चालू होगा, एक घंटा तक। उसके बाद शादी ब्याह होगा। तो वहाँ पे नज़दीक से वीडियो नहीं बना रहे ताकि वहाँ पे साउंड नहीं आएगा, इसलिए। तो ऐसा कुछ है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं वहाँ पे, जो शादी ब्याह होता है वहाँ पे कैसा होता है आपको हम दिखाएंगे।
ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗୁଡ଼ିଆ ପବିତ୍ର ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଭା ସାକ୍ଷାତରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରସ୍ପର ହସ୍ତ ଧରି ଏବଂ ବିବାହ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟରୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଆଜି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୀଷା ହାଇ କରିଦେ। दोस्तों कैसा शादी ब्याह होता है हमारे यहाँ पे आप सबने देखा और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और आज हम शाम को चले जाएंगे घर। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।